आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वीडियो बना के आपको समझाऊं कि अक्यूमुलेशन का कैसे पता चलता है और डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे पता चलता है। तो आपके सामने मैंने KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया है और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर, पहले तो आप समझ लें, मार्केट के अंदर तीन ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है बुलिश ट्रेंड, सेकंड होता है बेरिश ट्रेंड, थर्ड होता है साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड के अलावा और इन तीन ट्रेंड के अलावा कोई तीसरा चौथा जो है ट्रेंड नहीं होता है। तो हमें जो अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंफर्म जो होती है ना, वो हमें होती है साइडवे ट्रेंड के अंदर। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको कन्फर्म करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, इस रीजन के अंदर आप देखें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो साइडवे ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है साइडवे के अंदर है और ये जो रीजन है मार्केट का, ये मार्केट के पास बॉटम है, ठीक है। और मार्केट जब तक अपने इस बॉटम को सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर जो है वो अक्यूमुलेशन हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, अपनी इस रेड लाइन को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। और यहाँ से आपको मार्केट के अंदर बूम नज़र आया तो मतलब मार्केट के अंदर जो है अक्यूमुलेशन हो रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इसके नीचे आती है तो हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पर देखें आप इस लाइन के अंदर, यहाँ पर भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो साइडवे ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर जो है इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे ही इंडेक्स ने अपनी इस नेक लाइन को, ये नेक लाइन ये बनती है, नेक लाइन ये बनती है, ये जो रेड लाइन है ये नेक लाइन है, इसको जैसे ही यहाँ ब्रेक किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको डाउनवर्ड नज़र आया, तो इसे कहते हैं सप्लाई होना, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप फिर देखें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो साइडवे ट्रेंड के अंदर आया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो साइडवे ट्रेंड के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आया, लेकिन इंडेक्स ने अपनी इस रेंज को ब्रेक नहीं किया, मतलब अपने नेक लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पर आपको बूम नज़र आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अक्यूमुलेशन हुई, यहाँ अक्यूमुलेशन हुई है, ठीक है। जैसे ही अपनी नेक लाइन को ब्रेक करेगा इंडेक्स साइडवे ट्रेंड के अंदर, अपने नेक लाइन को ब्रेक करेगा जिस रेंज के अंदर जैसे ट्रेड कर रहा है ना, जैसे इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर इसको ऑनर दे रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर जो है अक्यूमुलेशन हो रही है और यहाँ से बूम के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ, आसान बात समझाया है, आपको बात समझ में आ चुकी होगी।